आज हम लोग क्लास एट का पोयम द डफोडिल्स का एम सी क्यूज डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है द डफोडिल्स इज रिटन बाय जो पोयम डफोडिल्स है वो किन के द्वारा लिखा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ए विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है वन का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा टू नंबर क्वेश्चन है द टाइटल्ड वर्ड डफोडल्स रेफर्स टू डफोडल्स का मतलब क्या होता है तो जैसा हम लोग पढ़े थे डफोडल्स का मतलब क्या होता है फ्लावर है ना तो टू तो का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन है द कंटिन्यूटी ऑफ द डफोडिल फ्लावर्स इज कंपेयर टू दोज ऑफ है ना जो कंटिन्यूटी ऑफ डफोडिल फ्लावर्स थे उनको किस चीज़ से कंपेयर किया गया था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए स्टार से कंपेयर किया गया था है ना तो थर्ड का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है द स्पार्कलिंग वेव्स बिलोंग टू द डोडिल फ्लावर्स बी नंबर है द रिवर सी इसमें ना ये गलत हो गया ठीक है नंबर तो ये सी डी ठीक है द सी द बी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ का डी नंबर द बे द स्पार्कलिंग वेव्स बिलोंग टू फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है अ बे इज अ है ना फर्स्ट नंबर ऑप्शन है ब्रॉड पार्ट ऑफ द सी सेकेंड ऑप्शन है कॉर्नर ऑफ द सी थर्ड है सी एंड थर्ड है ऑप्शन तो सही हो जाएगा है ना ब्रॉड इंटेल ऑफ द सी सिक्स नंबर क्वेश्चन है व्हाट वाज़ द पोएम इंस्पायर्ड बाय पहला नंबर ऑप्शन है एनिमल्स सेकेंड है ह्यूमंस थर्ड है नेचर एंड डी हैप्पीनेस तो पोएम किससे इंस्पायर्ड है सी नेचर से है ना तो सिक्स का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा सेवंथ नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रेज स्प्राइटली डांस मीन है ना स्प्राइटली डांस का मतलब क्या है डिप्रेशिंग बी है लाइवली एंड फुल ऑफ एनर्जी सी है जंपिंग अप एंड डाउन एंड डी है स्लो एंड कॉशंस ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर सेवन का बी लाइवली एंड फुल एनर्जी एट नंबर क्वेश्चन है द पॉइट सो ब्लैंक डफोडिल्स एट अ ग्लेंस ठीक है तो एट का आंसर क्या हो जाएगा नियरली टेन थाउजेंड है ना हम लोग पोएम में पढ़े थे द पॉइंट सो नियरली टेन थाउजेंड डफोडिल्स एट अ ग्लेंस एट का वन नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा नाइन नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज द पॉइंट हिम कंपेयर टू है ना पॉइंट अपने आप को किससे कंपेयर कम, किए थे पहला ऑप्शन है बी सेकेंड है क्लाउड सी है इगल एंड डी है ट्री तो किससे कंपेयर किए थे क्लाउड से है ना तो नाइन का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा टेंथ नंबर क्वेश्चन है वॉट वेल्थ द सो टू मी हैड प्राउड बाई वेल्थ द पोइट मीन है ना पोइट का पोइट सॉरी पोयम में वेल्थ का मतलब पोइट क्या बताए थे पहला हैप्पीनेस गोल्ड प्लेजर एंड डी मनी तो क्या बताए थे ए है ना हैप्पीनेस टेंथ का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोग का टेंथ में से कितना स्कोर आया